दोस्तों हमारे पास दो मोबाइल है, एक है ये पिक्सल 6, एक है आईफोन 12। इसके पहले मैंने बताया था कि आईफोन से ई सिम को कैसे करेंगे पिक्सल में। जैसे कि आपको यहाँ दो नेटवर्क दिख रहे हैं, एक है ई सिम और एक है फिजिकल सिम, ठीक है। तो इसमें मैं आपको जाऊंगा सेटिंग में, दिखाऊंगा कि कैसे पिक्सल की सिम को आप आईफोन में कर सकते हैं। अभी फिलहाल आईफोन में कोई भी सिम नहीं है, आप यहाँ देख सकते हैं सेटअप मोबाइल सर्विस लिखा हुआ, क्योंकि मैंने फिजिकल सिम भी हटा दी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमें इसके जो डिवाइस है आईफोन, इसमें जो IMEI है वो EID नंबर की जरूरत पड़ेगी। जैसा कि आपको इसमें IMEI 1, IMEI 2 दिख रहा है और EID दिख रहा है, तो इसकी जरूरत पड़ेगी। और उसको हमें मैसेज करना होगा इसके इनबॉक्स में, मतलब SMS करना होगा। SMS करके हमको जियो पे भेजना है, वहां से एक QR आएगा। तो चलिए करते हैं। तो इसके लिए हमें पहले लिखना है गेट ईसिम, और 32 डिजिट का EID नंबर है, ये पूरा 32 डिजिट का है। इसके बाद 90-15-642 के बाद एक स्पेस देना है, क्योंकि ये 32 डिजिट पूरा लाइन से लिखना है, इसके बीच में स्पेस नहीं होगा। इसके बाद स्पेस देने के बाद IMEI लिखना है। याद रखें आप IMEI 2 सेलेक्ट करें, हालांकि आईफोन में ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है कि ई सिम के लिए कौन सा है और नॉर्मल सिम के लिए कौन सा है, लेकिन हमने IMEI 2 को सेलेक्ट किया है। इसके बाद इसको यहाँ से सेंड कर देंगे। जब आप सेंड कर देंगे तो आपको एक मैसेज आएगा जियो की तरफ से। ये देखिए एक मैसेज आ गया है जियो की तरफ से, ई सिम का भी मैसेज आया है इसमें। जैसे IMEI डाली मैंने, उनकी तरफ से एक मैसेज आ गया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है फिनिश मोबाइल सर्विस सेटअप एंड ई सिम फ्रॉम जियो इज रेडी टू बी सेटअप ऑन दिस फोन। और यहाँ मुझे मेल प्राप्त हुआ है, मेल में लिखा हुआ है, नंबर मैं छिपा रहा हूँ, और इसमें लिखा हुआ है कि आप एक जब रिप्लाई करेंगे तो आपका ई सिम का जो कंफर्मेशन वो हमारे द्वारा रिसीव कर लिया जाएगा और आपको ई सिम भेज दी जाएगी, यानी कि जो बार कोड है, QR कोड है, वो भेज दिया जाएगा। इसके लिए आपका इंटरनेट ऑन होना चाहिए, जैसा कि मेरा भी इंटरनेट ऑन है। मैं मोबाइल डाटा में जाता हूँ, सेटअप मोबाइल सर्विस लिखता हूँ, और यहाँ पे मुझे एक्टिवेट ई सिम का जो ऑप्शन है उन्होंने उनकी तरफ से आ रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे फ्लैश हो रहा है, सेटअप ई सिम, ठीक है। यहाँ पे हम सेटअप ई सिम कर सकते हैं, तो सेटअप ई सिम कर रहे हैं, एक्टिवेटिंग, ठीक है। अभी मैंने कंसेंट नहीं दिया है, जब कंसेंट दूंगा तभी ई सिम एक्टिवेट होगी, ठीक है। तो कंसेंट देने के लिए मुझे यहाँ पे जो मैसेज है इसमें, यहाँ पे अभी यहाँ पे इनको रिप्लाई करना है, तो रिप्लाई कर देता हूँ मैं करता हूँ इसको रिप्लाई। देखिए कॉल आया मुझे, मैं कंफर्म कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने कंफर्म कर दिया है, अब यहाँ पे सेट ई सिम हो रहा है और उन्होंने मुझे बारकोड भेज दिया है, ये कनेक्टिंग टू नेटवर्क हो रहा है। इसका आगे का प्रोसेस आगे बता रहा हूँ मैं। देखिए ये डायलॉग बॉक्स आ गया, लिखा है एक्टिवेटिंग ई सिम, क्योंकि मैंने वहाँ से रिप्लाई कर दिया था, एक जो उनको रिप्लाई करना था और एक जो कॉल आया था उस पर रिप्लाई करना था। अब यहाँ से मैं कंटिन्यू करता हूँ, ये एक्टिवेटिंग लिख रहा है। मैं आपको बता दूंगा ये 2 घंटे समय लेगा, पूरा 2 घंटे, इसको 2 घंटे से कम टाइम नहीं लगेगा, ये चीज आप ध्यान रखना। और इसमें वाईफाई कनेक्ट होना चाहिए या फिर एक सिम लगी हो जिससे इंटरनेट मिले। इसमें मुझे कोई भी बारकोड स्कैन नहीं करना पड़ा, और यहाँ टावर आ गई है, टावर आपको दिख रही होगी 3-4, अगर आप देख पाओ इस जगह यहाँ पे, उसमें अभी नेटवर्क नहीं आएगा, 2 घंटे बाद नेटवर्क आएगा। और अभी आप देखोगे यहाँ पे दोनों नेटवर्क शो हो रहे हैं, 4:06 हो रहा है, 6:06, 1 मिनट भी पहले नहीं होगा, 6:06 पे ही होगा। और उसके बाद एक दिन पूरी SMS सर्विस बंद रहेगी, जी हाँ पूरा एक दिन SMS सर्विस बंद रहेगी सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। यानी अगली सिम आपको सेटअप करनी हो या तो आप जियो केयर जाओ या फिर एक दिन का वेट करो दोबारा ट्रांसफर करने के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।